हरे कृष्णा राधे राधे। माना जाता है कि जिस घर में लड्डू गोपाल मौजूद होते हैं वहां कभी भी विपत्ति नहीं आती है, साथ ही वहां सुख शांति का माहौल कायम रहता है। लड्डू गोपाल कान्हा ठाकुर जी और बाल गोपाल कृष्ण गोपाल के रूप में भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार लड्डू गोपाल की पूजा संतान सुख, संतान के उत्तम भविष्य और धन वैभव की कामना से की जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज बहुत ही सरल विधि से मैं लड्डू गोपाल की सेवा करना बताऊंगी। मॉर्निंग में मैं किस तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना करती हूँ। तो देखिए, लड्डू गोपाल सोए हुए हैं, मैंने उनको ताली बजाकर या फिर घंटी बजाकर आप अपने लड्डू गोपाल को जगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर घंटी बजाकर लड्डू गोपाल को जगा दिया है। आप लयबद्ध ताली बजाकर, तीन बार ताली बजाकर लड्डू गोपाल को उठा सकते हैं। उठाने के बाद मैं सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल को जल पिलाती हूँ, क्योंकि पूरी रात के सोए हुए हैं लड्डू गोपाल और उनको प्यास लगेगी। तो देखिए, जल में एक तुलसी दल अवश्य डाल लीजिएगा। उसके बाद में मैं दूध का भोग लगाती हूँ। तो अभी गर्मियाँ हैं तो मैं हल्का सा गुनगुना दूध लेती हूँ, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। तो दूध पिलाने के बाद मैं लड्डू गोपाल को मैं मुँह साफ करके रूमाल से उनको बिठा देती हूँ और बाकी की मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से पहले ही मैं रुई की बाती बनाकर एक डब्बे में रख लेती हूँ, जिससे मुझे सुबह की पूजा करने में आसानी रहे। तो एक बाती लेकर और दीपक में रख लेती हूँ। मैं पूजा के बर्तन साफ कर लेती हूँ लड्डू गोपाल को उठाने के बाद में। उसके बाद में देखिए, लड्डू गोपाल का सारा सामान मैं पूजा के मंदिर के पास ही रखती हूँ, जिससे मुझे ज़्यादा इधर उधर भागना ना पड़े, तामझाम ना करना पड़े। तो इस तरीके से जिस भी बर्तन में आप लड्डू गोपाल को स्नान करा रहे हैं, उसमें स्वास्तिक या ओम बनाकर आप तुलसी दल रखकर भी लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। पहले उनके चरणों पर जल डालिएगा, उसके बाद सादा जल से मैं लड्डू गोपाल को स्नान करा दूंगी। तो देखिए, अभी गर्मियाँ हैं तो मैं सादा जल से लड्डू गोपाल को स्नान करा रही हूँ, और जब सर्दियाँ होती हैं तो मैं हल्के गुनगुने जल से लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ। तो बहुत ही भावपूर्वक मैं लड्डू गोपाल को स्नान करा दूंगी। उसके बाद इनको इन्हीं के हैंकी से मैं इनको पोंछ दूंगी। तो देखिए, मैंने एक लड्डू गोपाल का हैंकी अलग से रख रखा है, इसको इनको पोंछने के लिए मैं इससे इनको लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद में जो जल बचता है आप उसको तुलसी में डाल दीजिएगा या फिर किसी और पौधे में डाल दीजिएगा। तो देखिए, आज संडे है, संडे के दिन तुलसी में जल नहीं डाला जाता है और ना ही तुलसी दल तोड़े जाते हैं, तो ये आप किसी और भी पौधे में तुलसी दल डाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने लड्डू गोपाल को बहुत ही अच्छे से मैंने इनको पोंछ दिया है, क्योंकि पोंछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जहाँ पानी रह जाएगा, जल रह जाएगा, लड्डू गोपाल वहाँ पर काले पड़ जाएंगे, यानी काले काले धब्बे हो जाएंगे। तो मैं लड्डू गोपाल का जो भी श्रृंगार है पहले से ही निकाल के रख लेती हूँ, जिससे मुझे जल्दी से आसानी हो लड्डू गोपाल को पहनाने में। तो देखिए, मैंने लड्डू गोपाल को पोशाक धारण करा दी है। गर्मियाँ हैं तो ज़्यादा हैवी पोशाक नहीं पहनाऊंगी, और सारी पोशाकें मैं घर पर ही बनाती हूँ लड्डू गोपाल की। तो देखिए, मैंने लड्डू गोपाल की बिग भी लगा दी है, उनको मुकुट लगा दिया है, और उनके कानों में उनके कुंडल भी पहना दूंगी मैं, टॉक्स पहना दूंगी। तो देखिए, लड्डू गोपाल मेरे कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, उनकी बंसी दे दूंगी। और देखिए, अभी जो मौसम चल रहा है, बारिश का चल रहा है, क्योंकि ये अलग अलग तरीके की अजीब अजीब सी स्माइल आती है। तो देखिए, इत्र की सेवा आप लड्डू गोपाल को अवश्य दीजिएगा, हल्का सा ही लगाएं, चाहे इत्र आप अवश्य लगाइएगा। अगर इत्र नहीं है आपके पास तो थोड़े से पुष्प लाकर लड्डू गोपाल के आसपास अवश्य रखिएगा, जिससे उनके आसपास का जो वातावरण है वो बहुत ही सुगंधित रहे, खुशबूदार रहे। तो देखिए, लड्डू गोपाल को मैंने श्रृंगार करने के बाद उनको आईना शीशा भी दिखा दिया है, क्योंकि उनको भी लगे कि मेरी मैया ने मुझे कैसे तैयार किया है, मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ। तो देखिए, मेरे लड्डू गोपाल को उनका श्रृंगार बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम कर लेते हैं पूजा आरती की तैयारी। तो मैंने प्लेट यहाँ पर लड्डू गोपाल को वो उठाने के बाद में ही पूजा की तैयारी कर ली थी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक घड़े में जल रख दिया है, और भोग में आज मैं लड्डू गोपाल को किशमिश का ही भोग लगाऊंगी, क्योंकि आज मेरे पास फ्रूट नहीं है, तो इसलिए ड्राई फ्रूट तो हमेशा ही घर में रहते हैं। और उसमें भोग लगाने के बाद में आपको तुलसी दल अवश्य रखना है। तो देखिए, मैंने फूल भी रख दिए हैं, मैं फूल दो तीन दिन के ला करके फ्रिज में ही रख लेती हूँ, और अपनी पूजा जब भी करती हूँ लड्डू गोपाल की या फिर बाकी के देवी देवताओं को, मैं फूल अर्पण कर देती हूँ। तो देखिए, हम चंदन तिलक रोली तिलक कर देंगे, उसके बाद में हम करेंगे पूजा आरती।
तो इस तरीके से मैं मॉर्निंग की पूजा आरती करती हूँ हर रोज़ लड्डू गोपाल की, यही सेवा है मेरी। तो देखिए, कुछ लोग बोल रहे थे कि मॉर्निंग रूटीन भेजिएगा किस तरीके से आप सुबह की पूजा आरती करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो छोटा सा यही सा सब कुछ है, मैं लड्डू गोपाल की भावपूर्वक इसी तरीके से हर रोज़ की पूजा अर्चना करती हूँ। लड्डू गोपाल की अगर आप सच्चे मन से सेवा करें तभी आप घर में लड्डू गोपाल को लेकर आएँ, क्योंकि लड्डू गोपाल घर में लाने के बाद हमारे घर के सदस्य ही बन जाते हैं। और अगर हम लड्डू गोपाल को अपने बच्चे की तरह प्यार करें और सेवा करें तो लड्डू गोपाल आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। अगर हम एक बार लड्डू गोपाल घर ले आते हैं तो हमें हर हाल में उनका ख्याल रखना होता है, उनकी सेवा करनी होती है। तो देखिए लड्डू गोपाल हमारे कितने सुंदर लग रहे हैं और कैसे हल्की हल्की सी मुस्कान दे रहे हैं। आप जब अपने मन से भाव से सेवा करेंगे तो लड्डू गोपाल आपके साथ छोटी छोटी लीलाएँ करते रहेंगे, आपको खुद उनके चमत्कार दिखने लग जाएंगे और आपके घर के वातावरण में आप खुद देखेंगे बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएगा, शांतिपूर्वक माहौल रहेगा आपके घर का। तो इस तरीके से मैं हर रोज़ मॉर्निंग में लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और राधे राधे अवश्य लिखिए, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर आती रहती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।